राजीव भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की सूची के बाद तो भाजपा के सारे अनुशासन के दावे खोखले साबित हो गए। वरिष्ठ नेताओं के कपड़े फाड़ने तथा प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय नेताओं के पोस्टरों में काली तक पोती गई है। भाजपा की सूची जारी होने के बाद ये साफ हो गया है कि भाजपा ने घिसे पीटे चेहरों पर दाव लगाया है। 15 सालों तक जनता का शोषण करने वाले जिन चेहरों के कारण जनता ने भाजपा को था, उन्हीं को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी होने के बाद एक चीज तो साफ हो गया कि भाजपा की सूची में सारे के सारे घिसे पिटे और पूरी तरीके से जनता द्वारा नकारे गए चेहरे हैं। 15 सालों तक जनता के शोषण के जिम्मेदार, जनता के शोषण के जिन चेहरों के कारण भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई थी 2018 में छत्तीसगढ़ में, उन सारे के सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से प्रत्याशी बना के कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जनता को मुंह चिढ़ाने का काम किया है। नाम घोटाला 36,000 करोड़ का, उसके आरोपी रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। चिटफंड घोटाला के सारे मंत्री मुख्यमंत्री रहे उस समय रमन सिंह जी, उनको भी प्रत्याशी बनाया गया है। इंदा प्रदर्शनी बैंक घोटाला में जिन मंत्रियों के नाम आए थे उन सारे लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है। जल की जमीन घोटाला के आरोपी बिजमोहन अग्रवाल को भी प्रत्याशी बनाया गया है। अखरवा कांड के आरोपी अमर अग्रवाल को भी प्रत्याशी बनाया गया है। स्काई राग के घोटालेबाज राजेश मूलक भी सूची में प्रत्याशी बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के सारे दागी चेहरों को एक बार फिर से प्रत्याशी बना के 2018 के जनादेश को फिर से अपमानित करने का काम किया है। यही नहीं, गृह मंत्री स्क्वाड बना के प्रदेश भर में लूट और वसूली का तांडव मचाने वाले ननकी राम कंवर को भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। सारे छत्तीसगढ़ के नेताओं को बेचारा बना दिया गया, उनकी राय समाधि नहीं ली गई। अमित शाह आते थे अकेले 3-4 घंटे 5-6 नेताओं के साथ मीटिंग करते थे, केंद्रीय नेतृत्व प्रत्याशी घोषित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ की धान खरीदी बंद करना। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ में जो बिजली बिल आधा योजना चल रही है उसको बंद करना। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है कि 5 डिसमिल से कम जमीनें जिनकी खरीदी बिक्री को भू माफिया को फायदा देने के लिए रमन सिंह ने बंद करवाया था उसको फिर से बंद करवाना, क्योंकि हमारी सरकार ने उसको चालू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है राजीव गांधी कृषि मजदूर योजना को बंद करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि से ज्यादा पैसा मजदूरों को मिले। इसमें 7,000 रुपए भूपेश सरकार दे रही है। भाजपा को वोट देने का मतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना बंद करना। भाजपा धान की कीमत पे 1 रुपए ज्यादा बोनस देने का विरोध करती है, उनके प्रधानमंत्री राज्य को धमकाते हैं। ऐसे में एक भारतीय जनता पार्टी को दिया जाता है मतलब राजीव गांधी किसान न्याय योजना को बंद करना। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है सिंचाई के बांध और सड़कों पर फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनके परिजनों को कब्जा करने का अवसर देना। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है कि चिट फंड घोटालेबाजों को बुला के फिर से छत्तीसगढ़ के गरीबों को लुटवाने का मौका देना। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है 10,000 से अधिक गोठानों को बंद करके फिर से आदर्शत और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में गौशालाओं को सौंपना, जिसमें 1,667 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया था। भाजपा को वोट देने का मतलब है 13,800 युवाओं के राजीव युवा मितान क्लब को बंद करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजीव युवा मितान क्लब के कॉन्सेप्ट का विरोध करती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है छत्तीसगढ़ की संस्कृति, अस्मिता, तीज त्योहार, परंपराओं को फिर से पीछे धकेलना। इसीलिए हमें पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी चुनाव कार्यक्रम का स्वागत करती है। हम चुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारी चुनावी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक का हमारा एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इस चुनाव में जाने के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारे 5 साल के काम है। जिन जन कल्याणकारी कामों को हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने किया है, हम उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। यह चुनाव 5 साल बनाम 15 साल होगा।
किस प्रकार से 5 साल में छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा बदली है, यह आपसे हमसे किसी से छुपी नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ का किसान आज देश में सबसे ज्यादा कीमत प्राप्त कर रहा है अपनी फसल का। छत्तीसगढ़ का किसान आज खुशहाल है। यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा होगा।